नमस्ते टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। लास्ट क्लास आई टॉट अबाउट द इंडोर गेम्स एंड गेम दैट इज प्लेड इंडोर एंड आउटडोर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट the new topic outdoor games. We know that this is the chapter 8 topic leisure time, and today I am going to teach outdoor games. Just here, इंडोर गेम्स आर वेरी गुड बट वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन क्लासरूम यू वॉन्ट टू प्ले इन फ्रेश एयर इन द ओपन प्ले ग्राउंड। सिमिलरली द ओल्डर पीपुल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर सम आउटडोर एक्टिविटी। वी वेयर स्टडिंग लास्ट डे अबाउट द इंडोर गेम एंड we knew the importance of the indoor games and how was the very beneficial for us that game. Nowadays we are living at home and we are doing different type of work inside a home. In that time we have to be recreation, we have to be some active, so we need to do some work and we have to play indoor games. But here today we are talking about the outdoor games. We cannot ignore the importance of the outdoor games, but here indoor games was very good, I know, but here we are talking about the outdoor game. It is also very important for our life. Suppose that you in the last session when you were coming to school, in that time you were spending a long hours in the classroom, and you always wanted to play in fresh air, in the open playground, in open place. In that time, you enjoyed in the open playground. तो इट मीन्स दो तीन चार पीरियड करने के बाद क्लासरूम में तुम बाहर एयर फ्रेश एयर में ओपन ग्राउंड में खेलना पसंद करते हो, खेलना चाहते हो। तो सिमिलरली द ओल्डर पीपुल ऑल्सो फॉरवर्ड द सम आउटडोर एक्टिविटी। इट सप्लाइज फ्रेश एयर टू द लंग्स, रिफ्रेशेज द माइंड इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कीप अस बॉडी फिट। तो इट मीन्स इफ यू आर प्लेइंग आउटडोर गेम्स, इट सप्लाई द फ्रेश एयर इन आवर लंग्स and we feel very refreshed. Our mind become very refreshed in the natural environment. No doubt older people also look forward the outdoor activity. पुराने समय में लोग भी पहले outdoor activity करते थे, and यह जो activity है ये हम लोगों को एक शरीर को mind को बहुत ही फ्रेश रखता है। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे लंग्स में फ्रेश एयर को सप्लाई करता है और हमारे माइंड को फ्रेश रखता है। एवरी वन इन्जॉयज फ्रीडम फ्रॉम इनक्लोज स्पेस, स्टिल एयर एंड कुंड इन्वायरमेंट। मोस्ट आउटडोर गेम involve large number of the people and hence develop the quality of team spirit, cooperation, tolerance and leadership. It means प्रत्येक
यह इंजॉय करते हैं फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, फ्रॉम इनक्लोज स्पेस, जहाँ पे बहुत ही कम जगह है उससे फ्री हो करके, फ्रीडम आज़ाद हो करके इंजॉय करना चाहते हैं। स्टिल हियर, हियर मीन्स जो घर में जो एक स्टिल मीन्स बासी या बहुत ही अशुद्ध हवा जो है वह, या कुकुंड इन्वायरमेंट जो एक दूषित या बहुत ही हाँ गंदा इन्वायरमेंट है उससे लोग फ्री होना चाहते हैं। मोर ओवर मोस्ट आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड हैंस डेवलप द क्वालिटी ऑफ टीम स्प्रिट, कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड लीडरशिप। तो हालांकि बहुत सारे आउटडोर गेम्स जो है वह बहुत अधिक संख्याओं में लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक डेवलप द क्वालिटी ऑफ टीम स्प्रिट, यह जो है हमारे टीम स्प्रिट की क्वालिटी को भी डेवलप करता है, विकास करता है। कोऑपरेशन, एक दूसरे में सहायता, टॉलरेंस बर्दाश्त करने की क्षमता, और एक लीडरशिप, इस प्रकार की वह हाँ हम लोगों को क्वालिटी डेवलप कराता है। द आउटडोर हियर डू यू नो फेयर प्ले इज रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, टीम मेंबर्स, ओपोनेंट्स, रेफरीज एज वेल एज फैंस। फेयर प्ले मीन्स हम लोगों को ईमानदारी, इट मीन्स द फेयर मीन्स विदाउट एनी अनफेयर मीन्स, मतलब कोई बिना बेईमानी का बहुत ही ईमानदारी से। प्ले इज रिस्पेक्ट फॉर रूल्स मीन्स इसका मतलब हुआ प्ले फेयर मीन्स हो गया जो रूल्स को रिस्पेक्ट करना, टीम के मेंबर्स को रिस्पेक्ट करना, ओपोनेंट रेफरीज जो है, ओपोनेंट मतलब विरोधी जो है उसको रिस्पेक्ट करना, रेफरी को और फैंस को भी रिस्पेक्ट करना, दैट मीन्स यर द फेयर प्ले, उसको हम फेयर प्ले कहते हैं। ओके, द आउटडोर स्पोर्टिंग एक्टिविटी हैव अ ग्रेटर मास ऑफ अपील एज कंपेयर टू इनडोर वंस। तो आउटडोर स्पोर्टिंग जो खेल होता है वह जो है वह कहीं अधिक मास अपील के मतलब उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों को जो इंडोर गेम है उससे ज़्यादा आउटडोर गेम के लोगों को ज़्यादा उसका अपील होता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा उसको हाँ लोगों का दिलचस्पी होता है। विदाउट ए डाउट क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। इंडियंस आई एंजॉय फॉर फॉर्मेट ऑफ गेम्स वेदर टेस्ट और वन डेज मैच और 2020। क्रिकेट इज ऑल्सो यर द वेरी इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर गेम, वी ऑल्सो एंजॉय सच टाइप ऑफ गेम एंड मोस्ट ऑफ इंडियंस enjoy such type of game। तो इंडियन क्रिकेट जो है बहुत ही पॉपुलर गेम है, यह इसको बहुत सारे लोग यह enjoy करते हैं और यह दूसरे आउटडोर गेम के जो है क्रिकेट जो दूसरे गेम से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। वॉच इन स्टेडियम ऑन द टेलीविज़न थाउजेंड ऑफ पीपल, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं टेलीविज़न पर, यानी तो स्टेडियम में जा कर के वो देखते हैं। बट नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज़ हॉकी। हमारे देश का सब नेशनल गेम क्या है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। एट वन टाइम इंडिया वॉज द ए वर्ल्ड चैम्पियन एंड नाउ आवर हॉकी प्लेयर्स आर ट्राइंग टू रिगेन द सेम पोजिशन विद ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन। तो एक समय था जब वर्ल्ड चैम्पियन था इंडिया हॉकी में, और अभी जो हॉकी जो प्लेयर्स है वह कोशिश कर रहा है उसको फिर से पाने का, सेम पोजीशन लाने का। ओके, सेम पोजीशन लाने का वह कोशिश कर रहा है और वह इस ट्रेनिंग और डिटरमाइन के बदौलत यह पोजीशन लाएगा। द अदर पॉपुलर आउटडोर गेम्स आर द फुटबॉल। दूसरा जो आउटडोर गेम है पॉपुलर वो क्या है, फुटबॉल है। ओके, एंड लॉन टेनिस भी है, पोलो, हॉर्स राइडिंग etc, ऑल दीज आर द आउटडोर गेम दैट इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर
country. Kabaddi and Kho Kho have been popular in India since olden times, especially in the rural parts. Kabaddi, we are also enjoying in the school. Kabaddi and Kho Kho both are the very popular in our village, even our village in our India also, that is very popular, and it has been popular from the olden times. हाँ, इन द रूरल पार्ट ऑल्सो, गाँव में भी और बहुत पुराने समय से यह इंडिया में पॉपुलर है, बट इन रिसेंट टाइम कबड्डी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर. लेकिन अभी में कबड्डी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. बोथ द गेम्स आर वेरी गुड एंड फिजिकली फिटनेस, क्विकनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, मेंटल अलर्टनेस एंड टीम स्पिरिट. यह दोनों गेम जो है बहुत ही अच्छा है फिजिकली फिटनेस के लिए, क्विकनेस ऑफ द मूवमेंट, यह जो प्रतिक्षण की जो क्विकनेस है उसमें, मेंटल अलर्टनेस और टीम की स्पिरिचुअलिटी में यह एक बहुत ही अच्छा गेम माना जाता है. ओके, मोरओवर दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड कैन बी प्लेड एवरीवेयर. इट मीन्स इसमें कोई भी ऐसा खेल की सामग्री या उपकरण की जरूरत नहीं है, महंगे खेल की जो उपकरण की, जिससे ये खेला जा सकता है, कहीं भी ये खेला जा सकता है. ओके, मैनी पीपल इंजॉय साइकिलिंग, स्केटिंग, वॉकिंग, जॉगिंग इन पार्क्स. योगा क्लासेस आर आल्सो ए ग्रेट एक्शन इन पार्क एंड योगा सेंटर्स. बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हैं, स्केटिंग, वॉकिंग, जॉगिंग पार्क में, एंड योगा नाउ डेज बिकम वेरी पॉपुलर हियर. योगा बिकम वेरी पॉपुलर एंड ऑल पीपल आर डूइंग द योगा एट हिज होम. ओके, एंड इट आल्सो ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ द पार्क एंड योगा. यू कैन सी इन द पार्क एंड योगा सेंटर में देख सकते हो, बहुत सारे लोग योगा करते हैं. ओल्ड एज वेल एज द यंग प्रैक्टिस प्राणायाम एंड द आसनाज. हाँ, पुराने और बूढ़े लोग भी और जवान लोग भी दोनों जो है यह प्राणायाम करते हैं. ब्रीथिंग टेक्निक है, सांस लेना, सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम सच टाइप है. हाँ, प्राणायाम इजियर. आसन का जो बॉडी का पोस्चर है वो करना, ताड़ासन होता है, त्रिकोणासन, सच टाइप ऑफ आसन. सम पीपुल ऑल्सो एन्जॉय द एक्सरसाइज इन ओपन स्पेस. कुछ लोग जो है वह इंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ओपन स्पेस में. हाँ, यह इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं. काइट फ्लाइंग इज अ पॉपुलर एक्टिविटी ऑन द रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे एंड उत्तरायण. इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल एंड स्ट्रेटेजी. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल इंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड मटेरियल. काइट फ्लाइंग, यह पतंग का जो उड़ाना है, दैट इज़ वेरी पॉपुलर एक्टिविटी है. हमारे रक्षाबंधन होता है, इंडिपेंडेंस डे जब उत्तरायण होती है तब, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड ए ग्रेट स्किल स्ट्रेटेजी. ये बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे स्किल की, कुशलता की और स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है. पीपुल या काइट फ्लाने, ये उड़ाने में अलग अलग शेप, अलग अलग मटेरियल का वो बनता है. ओके, अर्लियर सम गेम्स वेयर प्लेड ओनली बाय बॉयज एंड सम बाय गर्ल्स. मोस्ट बॉयज प्लेड क्रिकेट और हॉकी एंड गर्ल्स वेयर एक्सपेक्टेड टू प्ले खो खो बैडमिंटन etc. पहले होता था, कुछ गेम होता था सिर्फ बॉयज ही खेल सकते, कुछ गेम गर्ल्स ही खेल सकते, बट nowadays that is not here. अब ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ बॉयज प्लेड क्रिकेट, अधिकतर लोग बच्चे खेलते हैं, लड़का खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी. गर्ल्स वेयर एक्सपेक्टेड टू प्ले, ऐसा था तो जो पहले क्रिकेट खेलते थे बॉयज एंड हॉकी, और लड़की खेलेगी खो खो और बैडमिंटन. बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज, बट अभी का परिस्थिति बदल गया है. गर्ल्स वोमैन आर प्लेड ऑल काइंड ऑफ गेम्स फॉर फन एंड एज प्रोफेशनल लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी etc. लेकिन आजकल जो हो क्या हो गया, यह सिचुएशन बदल गया है. वोमेन खेल रही है, अलग हर प्रकार का खेल खेल रही है मजाक के साथ, और
अपना प्रोफेशनल के रूप में भी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेला जा रहा है। मेनी गेम्स आर कम्पीटेड एज मिक्स डबल्ड एट इंटरनेशनल लेवल लाइक लॉन टेनिस। बहुत सारे गेम जो हैं वह क्या क्या खेले जाते हैं, कम्पीटेड एज अ मिक्स डबल। मिक्स डबल में मतलब लड़का लड़की एक साथ दोनों मिल करके खेलते हैं और इंटरनेशनल लेवल, जैसे लॉन टेनिस हो गया। ओके, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एट नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स इटीसी। लड़का लड़की इट मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की समान रूप से एक समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मौका मिलता है भाग लेने के लिए नेशनल गेम में, इवेंट्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक्स गेम में भी दोनों को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। मोस्ट पीपल इंजॉय वॉचिंग ए क्रिकेट मैच एट ईडन गार्डन, टेनिस मैच एट विंबलडन विथ एंथुसियाज्म एंड एक्साइटमेंट। बहुत सारे लोग देखते हैं क्रिकेट, देखते हैं मैच, देखते हैं ईडन गार्डन में, टेनिस मैच देखते हैं विंबलडन, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ और बहुत ही एक्साइटमेंट होकर के, उत्तेजित होकर के। इवन चिल्ड्रेन प्ले विजिट इस जू, सर्कस और वाटर पार्क और फ्लाई काइट्स इन देयर लीजर टाइम। बहुत सारे बच्चे जो है वह कहाँ जाते हैं, जू में जाते हैं, सर्कस, वाटर पार्क, फ्लाई काइट उड़ाने में अपने अपने लीजर टाइम में। यंग और ओल्ड जो हैं, बूढ़े और जो जवान हैं, एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू लीजर टाइम टू रिलैक्स, इंजॉय एंड रिफ्रेश द माइंड। प्रत्येक क्या आगे की तरफ देखते हैं, जो कब वो लीजर टाइम आएगा जिससे वो रिलैक्स हो सके, इंजॉय कर सके और फ्रेश एयर उसको, माइंड को रिफ्रेश हो सके, अपने माइंड से रिफ्लेक्स हो सके कोई भी काम करने के बाद। ओके, जस्ट यह स्पेक्टेटर्स चेयरिंग द क्रिकेट मैच में, यह जो भी देखने वाले दर्शक हैं क्रिकेट मैच में चेयरिंग कर रहे हैं। डू यू नो रीडिंग इज ए वंडरफुल हॉबी, बुक्स इंटरटेन एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, इवेंट, प्लेसेस इटीसी। रीडिंग जो है वह एक अच्छा हॉबी है, बुक्स इंटरटेन एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, कोई घटना के बारे में, जगह के बारे में बुक्स ही हमको जानकारी देता है और इंटरटेन भी देता है। तो वी शुड ऑल्सो इंजॉय अ लीजर टाइम एज ए रीडिंग बुक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जस्ट वी हैव टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।